सत श्री अकाल जी, मैं अमर त्याग शुरू करते हैं पंजाब एक्सप्रेस का यह खास बुलेटिन। पंजाब दियां खबरां दे नाल सब तो पहला गल करांगे भगवंत मान दे दौरे दी ते 2024 दियां चोणां तो पहला ही आम आदमी पार्टी दे नेता ते कार्यकर्ता पूरी तैयारियां दे विच नज़र आ रहे हैं। इस दे चलदे ही उन्होंने अज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दे नाल बिहार का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने उत्थों के मंत्रियों के नाल मुलाकात की है। दो हज़ार चौबी दियां चोणां तो पहला ही आम आदमी पार्टी के नेता ते कार्यकर्ता पूरियां तैयारियां विच लगे हुए हैं। इस दे चलदे हुए ही अज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बिहार के दौरे ते हैं। इस दौरान ही किते जा रहे प्रोग्रामां तो पहला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अते मुख्यमंत्री भगवंत मान आम आदमी पार्टी के उत्थों के नेतावां अते कार्यकर्ताओं नूं मिलणगे। नाल ही उन्होंने नाल 2024 दियां चोणां नूं लैके भी विचार चर्चा करनगे। इस दौरान ही उन्होंने नाल राज्यसभा के सांसद संजय सिंह अते राघव चड्डा भी मौजूद रहे। इस तो इलावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अते मुख्यमंत्री भगवंत मान कल होने वाली विरोधी दलों की मीटिंग विच भी शामिल होणगे। दस दईए कि कल पटना दे विच होने वाली विरोधी दलों की बैठक विच 17 राज्यां दे नेता शामिल होणगे। पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ दे नाल साडे संवाददाता ने खास तौर पर गलबात की है, तुसीं भी सुन लो। पंजाब च इस वेले भरवीं गर्मी पै रही है और कितने कहते झोने की लवाई भी जी शुरू हो चुकी है और इस वेले सब तो वड्डा चैलेंज होंदा है बिजली की कमी पूरी करना। और पंजाब च बिजली की कमी किस तरह पूरी की जा रही है, साडे नाल इस वेले पंजाब के बिजली मंत्री ने हरभजन सिंह ईटीओ दा स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू, स्वागत तुहाडा। तुसीं एक अहम मुद्दे ते अज गलबात करन पहुंचे हो, तुहानू जी आयां नू धन्नवाद। सब अक्सर इस सीजन च क्योंकि पीक सीजन होंदा है, झोने की लवाई भी शुरू हो गई है और गर्मी भी पूरी पै रही है, किस तरह पूरी कर रहे हो बिजली की कमी नू? देखो, बिजली की सप्लाई ते डिमांड ये इंस्टेंट ही पूरी करनी पैंदी है क्योंकि उधरों बिजली पैदा हुई तो उधरों नाल नाल देनी, बिजली नूं असीं स्टोर तां कर नहीं सकते। इस करके जिवें जिवें डिमांड वधदी है तिवें तिवें सानूं सप्लाई वल उहदी जनरेशन वल जिहड़ा आ उह ध्यान देना पैंदा, क्योंकि आ जिहड़ा सीजन आ झोने दा सीजन पंजाब दे विच पूरे पंजाब वास्ते एग्रीकल्चर सैक्टर वास्ते बिजली बोर्ड वास्ते सारे वास्ते एक बहुत अहम सीजन होंदा और खास तौर पर यह जिहड़ा सीजन आ पंजाब दे विच गर्मी का सीजन भी आ, घरेलू बिजली भी जिहड़ी आ उह सप्लाई चाहीदी हुंदी आ। सो इस करके ये बड़ा एक चुनौती भरपूर जिहड़ा समां हुंदा है पंजाब वास्ते। पिछली वारी भी असीं इस समय के दौरान पंजाब के लोगों बिजली की किल्लत जिहड़ी नहीं आउण दित्ती सीगी 14311 मैगावाट असीं 29 जून 2022 नूं असीं डिमांड फुलफिल की सीगी और उस समय रिकॉर्ड सीगा। इस वेले असीं अपना ही रिकॉर्ड इंप्रूव किया, कल 21 जून नूं असीं इहनूं 14963 मैगावाट तक डिमांड जिहड़ी पंजाब दे विच पैदा हो गई इहनूं असीं मीट किया। सो अज मेरे ख्याल 15000 पहुँच गई, कितने रिकॉर्ड है। हाँ, अज कल तक दा जिहड़ा साडे कोल डाटा सीगा 14963 दा, मैनूं होर भी लग रिहा कि आउण वाले समें दे विच जां अज वी जां होर कुछ दिनां ते बिजली दी डिमांड जिहड़ी आ होर वधेगी। पर PSPCL जिहड़ा आ वो पूरी तरह इस वेले तैयार बार तैयार आ डिमांड नूं मीट करन वास्ते, क्योंकि साडे कोल सफिशेंट क्वांटिटी दे विच साडे कोल मौजूद आ, साडे कोल जिहड़ी ट्रांसमिशन लाइनां ने वो असीं पिछले सालां दे विच काफ़ी इंप्रूव कीतियां ने, कोई 8000 मैगावाट तों असीं 9000 मैगावाट ATC कपैसिटी जिहड़ी आ उहनां दी वी वधाई आ, कुझ असीं नवें 11 KV दे 66 KV दे असीं ग्रिड भी नवें स्थापित कीते ने, नवीं लाइनां विछाइयां ने, नवें ट्रांसफार्मर लगाए ने, कोई 100 MVA तो जिहड़ी कपैसिटी आ वधा के 160 MVA भी की आ। सो कपैसिटर नवें लाए ने लगभग 3700 जिहदे नाल फ्लक्चुएशन जां वोल्टेज की समस्या जिहड़ी आ उह खत्म हुई आ। सो एक साल दे विच जो असी इंफ्रास्ट्रक्चर दे विच इंप्रूवमेंट की आ पंजाब दे विच उहदे नाल सानू जिहड़ी आ उह काफ़ी इस समय दे विच आ के हुण पता लग्गिया कि उहदे नाल काफ़ी राहत मिली आ, जे वध डिमांड हो गई आ ते उह डिमांड भी पूरी करन दे PSPCL काबिल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। सो बिजली की सप्लाई वास्ते जी है सरकार वजनबद्ध है और
पंजाब के लोगों को किसी तरह की बिजली की कमी जी है नहीं आन दी जाएगी। ये कहना है पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह एटीओ का। कैमरामैन मनिंदर सिंह अतरी नाल दीपक शर्मा, एमएचएन न्यूज़ चंडीगढ़। इस वेले की वड्डी खबर आ रही है चंडीगढ़ तो, जिथे एसजीपीसी के प्रधान ने फिलहाल बनवारी नाल दे नाल मुलाकात की है। तो तुहानू दस देने हैं थोड़ी देर पहला ये मुलाकात हुई है। तो तस्वीर तुसी देखो सिख गुरद्वारा एक्ट च सोध मामले दे विच एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने मुलाकात की है राजपाल बनवारी लाल पुरोहित दे नाल। मुलाकात की है तो राजपाल तो इनू मंजूरी ना देण दी उन्होंने मांग की है। राजपाल नू एसजीपीसी ने मांग पत्र भी दिता है तो उन्होंने कहा कि एसजीपीसी ये जड़ा एक्ट है इस सोध जड़ा है वह संविधान के खिलाफ है। एसजीपीसी एक्ट संविधान के खिलाफ है। तो एसजीपीसी दा जड़ा हुण एक प्रतिनिधिमंडल है इस मामले के मुतालिक केंद्रीय गृह मंत्री राष्ट्रपति दे नाल भी मुलाकात करेगा। 26 जून नू एसजीपीसी दे जनरल हाउस की मीटिंग च हालांकि अगाऊ रणनीति बारे भी विचार वटांदरा किया जाएगा। तस्वीरां तुहानू दिखा रहे हैं राजपाल तो मिले है एसजीपीसी का वफद ते पंजाब राजपाल दे राजभवन दे विच ये मुलाकात हुई है। तो 26 जून नू जनरल हाउस भी सद्या गया है। धामी ने यह गल कही है तो बाहर आके मीडिया के नाल भी उन्होंने गलबात की। गृह मंत्री अमित शाह दे नाल ते राष्ट्रपति दे नाल भी इस मुतलक मुलाकात होगी। धामी ने गल कही है तो गुरद्वारा एक्ट नू भी लैके उन्होंने मुलाकात की। खास तौर पर गुरद्वारा एक्ट के मुतलक उन्होंने गलबात की है। तो एसजीपीसी प्रधान की अगवाई हेठ यह फिलहाल मुलाकात की गई। श्री अकाल तख्त साहब के नवे जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने अपनियां सेवावां संभाल लिया ने। तो इस दौरान एसजीपीसी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी भी मौजूद रहे। वेखदे हैं पूरी रिपोर्ट। नवे थापे गए जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार के वजो सेवा संभाल ली है। इस मौके सबका जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह सने बाकी तख्तों के जथेदार और सेवादार भी शामिल होए। इस मौके पर एसजीपीसी के वलों अंतरिम कमेटी की विशेष मीटिंग मता नंबर 609 मिति 16/6/2023 फिलहाल प्रवानगी के तहत ज्ञानी रघबीर सिंह जी नूं बतौर जथेदार श्री अकाल तख्त साहब जी थापण का फैसला किया गया। पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी अर्जन काया प्रगट कै मूर्त हर गोबिंद सवारी मेरी पीर दे मालिक धन सत गुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज सच्चे पातशाह ने कृपा करके तरस करके अपने पावन दरबार पावन तख्त श्री अकाल तख्त साहब जी के मुख सेवादार की सेवा सौंपना की है। दास समुचे ही खालसा पंथ का तह दिलों धनवादी है और ऋणी है जिन्होंने सतगुरों के पावन स्थान की पावन तख्त की सेवा सौंपी है। समुचे खालसा पंथ का दास वालों बहुत बहुत धन्यवाद है। जो भी संभव यत्न होया उस समुचे पंथ को एक करने वास्ते किया जाऊगा क्योंकि जो पंथ धड़िया में वंडिया होया भावें कि पहले समय के मिसल काल वेले भी पंथ जिहड़ा सी मिसलां विच जथेबंदियां विच वंडिया होया सी पर जिथे अकीदे की गल है अकीदा सब का एक है और सारे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को मत्था टेकते हैं। समुचे खालसा पंथ को श्री अकाल तख्त साहब जी के प्लेटफार्म से एकत्र करने का जिहड़ा यत्न है वो किया जाएगा। अज इस समागम दौरान सचखंड श्री हरिमंदर साहब के ग्रंथी सिंह साहब ज्ञानी अमरजीत सिंह ने ज्ञानी रघबीर सिंह को बतौर जथेदार अकाल तख्त के वजो सेवा संभाल का ऐलान किया और उन्होंने बधाई दी। इस मौके एसजीपीसी के प्रधान एडवोकेट धामी ने नवे ऐलाने गए जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह को जथेदार के वजो अहुदा ते सेवा संभालने की बधाई दी है। आज श्री अकाल तख्त साहब जी ने जथेदार की सेवा से संभाल सिंह साहब ज्ञानी रघबीर सिंह जी ने सांभी आ। गुरु साहब ने कृपा की पंथ ने सारे ने एकत्र होके उन्होंने अज सेवा से सुशोभित किया। सिंह साहब को जिथे बहुत बहुत बधाई देना उथे समुचे पंथ को भी बधाई देना कि सिंह साहब ज्ञानी रघबीर सिंह जी बतौर पंज प्यारे उस तो अलावा बतौर ग्रंथी से बतौर जथेदार श्री केसगढ़ साहब सेवा निभाते रहे। उन्होंने कहा इन्हों तो पहला सबका जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भी बाखूबी अपन सेवावान निभाइया। इस मौके ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भी की कुछ किया सुन लो।
सब तो पहला तो मैं मानजोग सिंह सार ज्ञानी रघबीर सिंह जी जिन्होंने तख्त श्री केसगढ़ साहब रेंदे हैं बड़ा प्यार बख्शिया अज उन्होंने श्री अकाल तख्त साहब विखे बतौर जथेदार सेवा सौंपी गई है तो मैं उन्होंने बहुत 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 इस सेवा लिए बधाई दिना और अकाल पुरख अगे अरदास करना कि उन्होंने मेहर भरिया हथ रख और इस तरह ही निरपैता निडरता दे नाल परमेश्वर श्री अकाल तख्त साहब जी दे बतौर सेवा वजो सेवादार वजो उन्हां पासों सेवावां लैंदे रहन। मैं पौने क पंज साल तक श्री दमदमा साहब जी दे जथेदार दे नाल नाल बतौर एक्टिंग जथेदार श्री अकाल तख्त साहब सेवावां निभाईआं ने। मैनूं इस गल की खुशी है कि श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने त्रुट के मेरे ते मेहर भरिया हथ रख के मेरे पासों सेवा लई है। जिनी कि सेवा उन्होंने लई है मैं की है और उन्होंने मैं निरपैता बख्शी है निरपक्षता बख्शी है और मैं अपनी जी सेवा है वह निरपैता निरपक्षता के नाल जी है वह की है। इस गल की मैं खुशी है। फिलहाल तुम दस दें ज्ञानी रघबीर सिंह से बहुत वही पंथ की जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी चुनौती भरी भी होने वाली है। उम्मीद करते हैं जो सेवा उन्होंने संभाली है उस सेवा दे विच ओह कामयाब रहन। ब्यूरो रिपोर्ट MH1 न्यूज़। लुधियाना कैश वैन लुट मामले दे विच पुलिस वल्लों एक वड्डा खुलासा किया गया। लुधियाना पुलिस कमिश्नर मनदीप सिंह सिद्धू ने जानकारी सांझी की है कि हुण तक इस मामले दे विच 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिन्हां दे कोलों 7,14,00,700 रुपये भी बरामद किए गए नाले DVR भी बरामद किए गए। CMS एजेंसी च हुई 8.49 करोड़ रुपए की लुट के मामले च पुलिस के वलों सारे मुलजमान गिरफ्तार किया गया है अते इना दे वलों लुकोए गए 5 DVR नू भी तालाब तो बरामद कर लिया है। जिहड़ी CMS कंपनी दे विच डकैती हुई उहदे विच असीं 7,14,00,700 रुपया असीं रिकवर कर चुके हैं। असीं उहदे चों गंदे नाले दे विच जिहड़े इन्हां दे मुलजमां दी पुछगिछ ते आया सी DVR जिहड़े सिट्टे सी 5 DVR ते वाईफाई सिस्टम है असीं 3 divers हायर कीते सी जिहड़े उह डाइवर दी मदद दे नाल असीं उह चुम्बक ला के उहदे चों जिहड़ी रस्से नूं ते उहदे विच उह करके ते उह असीं जिहड़े 5 DVR ते वाईफाई सिस्टम है उह भी रिकवर कर चुके हैं। हुण प्रोवाइडेड उह चैक करावांगे कि उहदे विच डाटा कित्थों तक हैगा। CMS एजेंसी च लुट की वारदात समय सब तो पहला एजेंसी अधिकारियों ने तकरीबन 11 करोड़ रुपए दसे सन पर बाद च उन्होंने 6 करोड़ की राशि कही फिर 8.49 करोड़ फाइनल किया। बंदी बनाए गए वर्करा ने दस के करीब लुटेरे बाकी दसे सन जिस दे विच एक औरत भी शामिल सी पर पुलिस दे वल्लों वारदात च कुल हुण तक 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिस च एक औरत भी शामिल है जो इस वारदात की मास्टरमाइंड दसी जा रही है। इस दे नाल ही पुलिस ने 4 अजिहे मुलजम भी फड़े ने जिन्हां ने लुट के पैसों चो 70 लाख रुपए चोरी किए सन। अजिहा करके पुलिस ने सारे मुलजमान तो 6.96 करोड़ रुपए बरामद कर लए ने। बाकी रिकवरी अजे बाकी है। मुलजमान ने 1.53 करोड़ की रकम की कोई जानकारी ना होने की गल कही है। हर मुलजम एक दूजे उत्ते पा रहे हैं कि पैसे उसके कोल है। पुलिस 9 मुलजमान बुधवार को मुड़ अदालत पेश करेगी। यहो जे डाकू सी जिन्हां ने मतलब कह दो भी कोई कसर नहीं छड़ी सानू लबेड़न दी। ए कदे तां इन्हां ने सिवर दे सैप्टिक टैंक दे विच सिड़ता किसी ने टोआ दब के विच पैसा दबता किसी ने गंदे नाले दे विच DVR उन्हों सिड़ता। बट वो असी आपदा इनू जे कहा भी हिंदुस्तान की भी शायद सब तो वड्डी डकैती है तो इनू ये भी कह सकते हैं सब तो वड्डी रिकवरी तो प्रोफेशनल ढंग नाल कीती रिकवरी। फिलहाल CP सिद्धू ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से गल कही कि मुख मुलजम मनजिंदर सिंह ने शुरुआती पूछगिछ दौरान दसिया कि करोड़ रुपए एजेंसी के अधिकारियों का बैंक के नाल विवाद चल रहा है जो अधिकारी विवाद के पैसे च जोड़न का यतन कर रहे हैं। जदों की सूत्र दस रहे हैं कि कंपनी अधिकारियों ने इन्ने दिन बीते जाने तो बाद भी पुलिस ने उक्त डिटेल नहीं दी जिस तो शक पैदा होता है कि दाल च जरूर कुछ काला है। लुधियाना तो अभिषेक बहल की रिपोर्ट MH1 न्यूज़।
पंजाब सरकार ने मानव तस्करी के नाल जुड़े मामलों की जांच करन दे लई SIT का गठन किया। आम आदमी पार्टी के सांसद बिक्रमजीत सिंह सानी ने इदे लई पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अते पंजाब पुलिस के DGP गौरव यादव का धन्यवाद किया। पंजाब सरकार ने मानव तस्करी के नाल जुड़े मामलों की जांच करन दे लई SI टीम का गठन किया है। आम आदमी पार्टी के सांसद बिक्रमजीत सानी ने इस दे लई पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अते पंजाब पुलिस के DGP गौरव यादव का धन्यवाद किया है। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि इस दौरान ही बाहरले मुल्कां दे विच फसिया महिलावां दी मदद करन दे लई 3 देशों दे विच 4 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। 5 मई नूं दरबार साहब श्री अमृतसर साहब मत्था टेक के जो मिशन होप लॉन्च किया गया, साडियां जो पंजाबी तियां पैणा ओमान दे विच होर खाड़ी देशों दे विच स्ट्रैंडेड हो गई सी, मैनू तसल्ली है, सैटिस्फैक्शन है कि असी उस काम दे विच कामयाब होए हैं। साड़ी अरदास अकाल पुरख वाहिगुरू जी ने सुनी है और सारे 13 दियां मेहनतां यतना सदका असी हुण तक 38 पंजाबी तियां भैणां नूं सुखी सांदी सुरक्षा के नाल पंजाब के घर च अपने वापस लियाए हैं और हुण खाली 10 लड़कियां उत्थे मस्कट छैन। विक्रमजीत साहनी ने यह भी दस्या है कि हुण SI टीम की गठन तो बाद इन्हां मामलों की कमी आएगी। दस दईए कि ओमान के वड्डी संख्या में फसिया भारतीय महिलावां नूं सांसद विक्रमजीत साहनी ने उत्थों वापस भारत लैके आउण दे विच मदद कीती सी, जिस तों बाद इस तरह दियां बाहरले मुल्कां दे विच फसियां जरूरतमंद महिलावां दी मदद करन दे लई इस तरह दे उपराले उन्हां वल्लों कीते जा रहे हन। भगवंत मान अते पंजाब पुलिस दे DGP गौरव यादव अपना पूरा साथ निभा रहे हन। खबरां दे विच नई, सत श्री अकाल जी।